काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कमर से रिलेटेड। काफ़ी एज ग्रुप में देखा गया है कि बैकएक की प्रॉब्लम लेके बहुत लोग परेशान रहते हैं, इसका क्या हल है आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो सर जी। सर आपका नाम जानना चाहेंगे और आपकी प्रोफाइल। मैं डॉक्टर डी के वत्सल हूँ, मैं न्यूरोसर्जन हूँ एंड मेरा स्पेशल फील्ड बैक एंड ब्रेन है। मैं एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जन एंड माइक्रोस्कोपिक न्यूरोसर्जन के तौर पे अधिकतर काम करता हूँ। एक आइकॉन हॉस्पिटल है, उसी में एज ए मैं सीनियर न्यूरोसर्जन कम डायरेक्टर के पद पर कार्य करता हूँ। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि यंगस्टर्स में बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा है और शियाटिका जो बीमारी है तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अक्सर है क्या है, तो ये हमें बताइए ये एक्चुअली डिजीज़ होती क्या है और इसके क्या हल हैं, कैसे इसको इससे बचा जा सकता है। सियाटिका एंड बैकएक अगर देखा जाए तो दोनों की वजह एक ही होती है, दोनों बीमारियां अलग नहीं हैं। कोई भी ऐसा दर्द जो कमर से शुरू होकर के पैर की तरफ लेग की तरफ रेडिएट करता है उसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं। इस सियाटिका का कारण कमर में ही पाया जाता है। कमर में अगर डिस्क प्रोलैप्स है जो पैर में जाने वाले नस को दबा रही है तो सियाटिका हो जाएगा। कमर में अगर कोई ट्यूमर है जो पैर की नस को दबा रहा है या उससे अराइज हो रहा है तो सियाटिका हो जाएगा। कमर में कोई अगर पस का कलेक्शन है जो पैर की नस जाने वाले नस को दबा रहा है तो उससे सियाटिका हो सकता है। कमर में चोट लगने के कारण भी कभी कभी सियाटिका हो जाता है। तो सियाटिका देखा जाए तो कमर की बीमारी का ही एक पार्ट है जिसको हम अलग से एक डिजीज़ के रूप में नहीं देख सकते। इसको कह सकते हैं कि सियाटिका एक सिम्टम है बहुत सारी बीमारियों का। इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में हमें बताइए। उससे बचने के लिए हमें आगे नहीं झुकना चाहिए, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, झुक करके कभी भी भारी वजन उठाना को अवॉइड करना चाहिए। नंबर थ्री, वेस्टर्न कमोड जो हमारी इंडियन टॉयलेट हैबिट है उसको अवॉइड करके वेस्टर्न कमोड को अपनाना चाहिए। एंड नंबर फोर्थ जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, कुछ कमर को स्ट्रोंग करने की एक्सरसाइजेज जो हमारे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स भी बताते हैं उसको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं तो ज़्यादा देर तक वो कंप्यूटर पर बैठते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है क्या? यस, बिल्कुल आ सकती है। अगर पोस्चर आपका बैठने का गलत है, जैसे अगर मैं इस पोस्चर में बैठता हूँ तो दिस पोस्चर इज़ रॉन्ग, वन शुड सिट इन दिस पोजिशन, इरेक्ट बैक पोजिशन, तो कभी भी कंप्यूटर पे या प्रोलॉन्ग जो सिटिंग वर्क करने वाले हैं उनको एकदम इरेक्ट बैठना चाहिए। कमर में कोई भी लचक या लोच या बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर उनको पीछे की तरफ झुक करके बैठने की आदत है तो ऐसे को अवॉइड करने के लिए पीछे एक पिलो डाल लेना चाहिए बैक के बीच में एंड बैक रेस्ट के बीच में, जिससे आपकी कमर पीछे ना झुके। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से आप कमर दर्द से बच सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप अपने पोस्चर को सुधारें। कैमरामैन गौरव के साथ सैयद मोहम्मद सौबान, द न्यूज़ बॉन्ड.कॉम, लखनऊ।